Osmium tetraoxide, one of the most popular reagent that is used for oxidation or hydroxylation. और ये टॉक्सिक भी है. इनकी जो सबसे स्ट्रेंज सी बात है, ऑस्मियम इज वन ऑफ द मोस्ट डेंस कंपाउंड एंड दे आर हैविंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विच इज वोलेटाइल इन द सॉलिड स्टेट. स्ट्रेंज. ऑस्मियम इज द मोस्ट डेंस एलिमेंट एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज द सॉलिड दैट इज द वोलेटाइल सॉलिड वोलेटाइल कंपाउंड. Of course, it's a Lewis acid also because of the plus 8 oxygen state, and this is the normal structure of osmium tetraoxide. Osmium tetraoxide can be used in the medicines also. For sometimes it can be used for the preparation of anti-cancer medicines and arthritis. In the arthritis treatment, this can be used. ये जो part है ना osmic acid का, ये hydroxylation का by product है. और इस वाली केस के अंदर अगर हमने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करी तो स्ट्रक्चर इसके इस तरीके से ड्रॉ करनी है. अगर हमने इसकी स्ट्रक्चर की बात करी तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है. डबल बॉन्ड ओ, दिस साइड ओ एच, दिस साइड ओ एच. ये ऑस्मिक एसिड है. इसके बेसिकली यूज क्या है, ऑक्सीडेशन है बाई हाइड्रोक्सीलेशन. तो यहां पे इसने क्या करना है, अगर नटसेल में बात करें तो उसने डबल बॉन्ड के अराउंड दो OH लगाने हैं. अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो इसने क्या करा, सी सिंगल बॉन्ड सी, इस वाली साइड पे OH और इस वाली साइड पे OH. ये इसकी बेसिक एक्टिविटी है. लेकिन इसमें एक स्टीरियो, इसके अंदर एक स्टीरियो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि सिर्फ ये नहीं, K-4, K2Cr2O7 के ऊपर भी ये इक्वली वैलिड है. क्या वैलिड भी, कि इन्होंने जब भी ऐड करना है ऑक्सीजन या OH तो वो डबल बॉन्ड के एक साइड पे ही ऐड होने हैं. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ने डबल बॉन्ड को ऐसे अटैक करा, दूसरे ने डबल बॉन्ड को ऐसे अटैक करा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ना ऑस्मियम के, ये जो पार्ट है ये स्टेरिक हिंड्रेंड है. और ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसने एक ऑक्सीजन को यहाँ पर अटैक करने को परमिट करा और दूसरे से यहाँ पर अटैक करा, ऐसा कभी हो नहीं सकता. और जितने भी हैवी मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, वो ऐसा नहीं कर सकते. तो जनरली तुमने देखा होगा उसके अंदर सिस जैसे प्रोडक्ट बनते हैं. एंटी एडिशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता. इनके कुछ ना बड़े स्ट्रेंज से रिएक्शंस भी हैं. जैसे ये बेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एंथ्रासीन और नेफ्थलीन के साथ रिएक्ट करते. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डजंट रिएक्ट विद द बेंजीन बट इट रिएक्ट्स विद द एंथ्रासीन एज वेल एज नेफ्थलीन. फिर बनाते क्या है, बनाते ही है कि अगर हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा तो इसने यूज करना है नेफ्थलीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. नेफ्थलीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करा वो देखो. पहली बार जब तुमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लगाई तो जो लास्ट की रिंग है इसके चार जो पार्ट्स हैं यहाँ पे 4 OH आ जाने हैं. और अगर तुमने इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाने हैं. टू थ्री डाई मतलब नेप्थलीन 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है. ये कॉर्टिसोन के प्रिपरेशन है. कॉर्टिसोन के प्रिपरेशन में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करते हैं. अगर तुमने कॉर्टिसोन के रिएक्शन लिखे होंगे तो तुम्हें याद होगा कि इसमें बीच वाली कंडीशंस के अंदर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करते हैं. मगर उसका पर्पस क्या है, तो अगर हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को इस जगह पर इंट्रोड्यूस करते, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को ऑलमोस्ट मिडल के आसपास यूज करते और यहाँ पर क्या करते वो देखो, इस वाली पार्ट को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा, लेट इट बी आर. ठीक है, अब अगर यहाँ पे तुमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करी तो इसने क्या करना है वो देखो, एक पेंटेन जैसे स्ट्रक्चर बना ली, इसके ऊपर कार्बन, इसके ऊपर वापस CH2OAC. यहाँ पे इन्होंने पहले से CN दे रखे थे तो नई कौन सी बात आ गई, एक OH इसने यहाँ पे ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड है ना, तो एक OH उस वाली साइड पे, एक OH इस वाली साइड पे. और ये फिर फर्दर जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो फिर ये इस वाली की चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता. तो कॉर्टिसोन के प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट मिडल के बाद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की जरूरत होती है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आता है ये, लेकिन यहाँ पर इसने काम वही करना है. डबल बॉन्ड है, उसके बाजू में OH लगाने हैं.
अगर एक्रिलडिहाइड है, ये अपना एक्रिलडिहाइड नहीं, ये अपना मैलिक एसिड है, और अगर हमने इस मैलिक एसिड के साथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड तुमने यूज करा, वापस हाइड्रोक्सीलेशन होनी है। तो इस वाले केस में क्या बन जाना भी, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और अगर इसे इस तरीके से यूज करा ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो इन दो कार्बन के साथ इसने ओ एच जनरेट कर दी, इसने इन दो कार्बन के साथ ओ एच जनरेट कर दी। डबल बॉन्ड यहाँ थी, दो ओ एच जनरेट करे, इसमें इस बात का ध्यान रखना ऐसा कभी नहीं हो सकता एक ओ एच इस वाली साइड पे और दूसरी ओ एच उस वाली साइड पे, ऐसा नहीं हो सकता। इसे छोड़कर बाकी पॉसिबिलिटी, ये जब भी है सिन एडिशन होना है, इसने कभी एंटी एडिशन परमिट नहीं करनी। इस वाली केस में अगर हमने एक्रिलडिहाइड की बात करें, अगर एक्रिलडिहाइड के ऊपर तुमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लगाई तो अंदाजा लगाओ क्या बन रहा है। यहाँ भी इसने इस वाली पार्ट को तो कुछ नहीं करना, इसने कभी सी डबल बॉन्ड ओ को अटैक नहीं करा, इसने जब भी अटैक करा सी डबल बॉन्ड सी को करा, तो इस वाली बॉन्ड के ऊपर कोई भी अटैक नहीं, यहाँ पे अटैक करना है इसने। और क्या करना है, सी एच ओ सी सी, और क्या करा इसने, इसने दो एक ही दो कार्बन के ऊपर दो ओ एच लगा दिए, ग्लिसरलडिहाइड बना दिया। अब ये हो गई ग्लिसरलडिहाइड, ये हो गए ग्लिसरलडिहाइड। तो ये सारी चीज़ें बेंजीन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की बड़ी पॉपुलर सी रिएक्शन है। एक थोड़ी अलग सी रिएक्शन है, और वो अलग सी रिएक्शन है जब हम उसे यूज करते हैं वन टू बेंजीन एंथ्रासीन के साथ, वन टू बेंजीन एंथ्रासीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हमने वन टू बेंजीन एंथ्रासीन लिख लिया तो चीज़ें आसान है, वाली साइड पर एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो इसने इस वाली जगह पर, ये जो जगह है ना, इस वाली जगह पे इसने दो ओ एच इंट्रोड्यूस कर दिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भाई यहाँ पे इतने सारे डबल बॉन्ड थे, इसने इस वाली जगह पे ही अटैक क्यों करा, 3-4 वाली जगह पे अटैक क्यों करा, और ये स्पेसिफिक है 3-4 वाली जगह पे ही अटैक कर रहे हैं। तो ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ऐसे ही एक करके सारे रिएजेंट्स अगले कुछ दिनों के अंदर अपलोड करने हैं।